नमस्कार, मैं माया। 7i न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा इस्तीफे की पेशकश किया जाना ये सिद्ध करता है कि कांग्रेस की ऐतिहासिक हार को उन्होंने गंभीरता से लिया है। इस घटनाक्रम के चलते आवश्यकता ये महसूस की जा रही है कि जिन जिन प्रांतों से कांग्रेस को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं, वहां के अध्यक्षों और कांग्रेसी सरकार में बैठे लोगों को भी इस मामले को उसी गंभीरता व ईमानदारी से लेने की जरूरत है जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जिन प्रांतों से बेहतर परिणामों की उम्मीद थी और जहां पर कांग्रेस की सरकार स्थापित थी, उनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश से इसलिए भी कांग्रेस को ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि यहां हाल ही में विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी सरकार स्थापित कर ली थी। लेकिन जब तत्काल बाद लोकसभा चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस 29 में से केवल एक सीट ही जीत पाई, तो राष्ट्रीय नेतृत्व का नाराज होना स्वाभाविक है। ये नाराजगी इसलिए भी जायज नजर आती है क्योंकि कांग्रेस ने कुल जमा जो एक सीट छिंदवाड़ा से जीती है, वह खुद मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के पुत्र है। जाहिर है कि इस जीत के लिए खुद कमलनाथ ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। सवाल यहीं से उठता है कि काश पीसीसी अध्यक्ष और सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूरे प्रदेश में इसी भाव से काम किया होता, तब भी क्या परिणाम कांग्रेस के लिहाज से इतने ही बुरे होते जितने बुरे फिलहाल सामने आए हैं। ये बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को भी अखरी है। तभी तो उन्होंने केंद्रीय वर्किंग कमेटी की बैठक में गुस्से के साथ कहा कि सबको अपने पुत्रों की पड़ी थी, जबकि मैं इस पक्ष में कतई नहीं था, लेकिन इन लोगों ने नाजायज दबाव बनाया और मुझे इनकी बात मानना पड़ी। पुत्र मोह में उलझे ऐसे नेताओं की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। स्पष्ट कर दें कि इस आलोचना में जिन लोगों के नाम थे उनमें पी चिदंबरम, अशोक गहलोत के अलावा कमलनाथ का नाम भी प्रमुखता से लिया गया था। ऐसा नहीं है कि केवल राहुल गांधी ही मध्य प्रदेश के प्रतिकूल नतीजों को लेकर व्यथित है। यदि प्रदेश स्तर पर भी देखा जाए तो कांग्रेस के अनेक मंत्री, सांसद, विधायक और पदाधिकारी ऐसे हैं जो अपनी पार्टी की हार को प्रादेशिक संगठन और सरकार के नेतृत्व की असफलता करार दे रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश में ना तो आने वाला समय कांग्रेस के लिए अच्छा है और ना ही कांग्रेसी सरकार के लिए, क्योंकि यहां प्रादेशिक नेतृत्व की विफलता के चलते गुटबाजी चप्पे चप्पे पर काबिज हो गई है। इसका प्रमाण विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के उस बयान में मिलता है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जन सुधर जाए, गुटों को महत्व देने और मुझे हराने के कुचक्र से ऊपर उठे तथा कांग्रेस और हाथ के पंजे की भी थोड़ी बहुत चिंता कर ले। उन्हें गुटबाजी से व्यथित होकर यह तक कहना पड़ गया कि यदि मैं अभी भी जीत ना सका या जीतने नहीं दिया गया तो यह मेरा अंतिम चुनाव भी हो सकता है। यदि खुद कमलनाथ की बात की जाए तो वह भी विधायक दल की बैठक में असंतोष का सामना कर चुके हैं। शायद यही वजह रही कि उन्हें मामला यह कहकर शांत करना पड़ा कि आप कहें तो मैं सीएम का पद छोड़ देता हूं। यहां एक बात साफ कर दें कि कमलनाथ पूर्व से बन रहे दबाव के चलते पीसीसी अध्यक्ष पद के इस्तीफे की पेशकश पहले ही कर चुके हैं। इसे प्रदेश कांग्रेस और सरकार के मुखिया की असफलता नहीं तो और क्या कहा जाए। इस पार्टी के अनेक विधायक और मंत्रियों के अलावा पदाधिकारी भी यह मांग करने में लगे हैं कि सरकार और संगठन में भारी बदलाव की जरूरत है। इनमें से कुछ लोग गुना शिवपुरी से हार का सामना करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को पीसीसी अध्यक्ष अथवा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री में से कोई एक पद उन्हें देने की मांग उठा रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस पर यह आरोप भी चस्पा हो रहे हैं कि भोपाल से दिग्विजय सिंह को और गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी के ही नेताओं ने जानबूझकर हरवा दिया। यही नहीं, अपनी सरकार होने के बावजूद कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री के सामने यह आरोप लगा रहे हैं कि हमारी ही सरकार में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, यहां तक कि हमारी पार्टी के मंत्री हमें तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हद तो ये है कि केपी सिंह जैसे वरिष्ठ नेता और पिछौर विधायक ने कांग्रेस में पनप रही गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने व्यंग कसते हुए मीडिया से यहां तक कह दिया कि हम 20 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं, लेकिन पार्टी को धोखा नहीं देंगे, जब भी भाजपा में जाएंगे पार्टी को बताकर जाएंगे। इन सभी मामलों को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है
है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में और उसकी सरकार में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। आखिर क्या कारण है कि मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों से ये कहना पड़ रहा है? प्रत्येक मंत्री अपनी पार्टी के कम से कम पांच विधायकों से लगातार संपर्क में रहे और उन्हें नाराज होने से रोके। इन बातों से भी स्पष्ट होता है कि सत्ता और संगठन में असंतोष अपने चरम पर है। इसलिए केवल ऊपर से ही नहीं बल्कि नीचे से भी यह बात उठाई जा रही है कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश के संगठन में और वहां की सरकार में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यदि समय रहते ऐसा नहीं किया गया तो इस पार्टी को और अधिक कड़ी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन के मुखिया कमलनाथ खुद प्रेरित होकर सभी के हित में कोई निर्णायक कदम उठाते हैं अथवा केंद्रीय नेतृत्व को इसमें दखल देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 7i न्यूज चैनल के लिए मोहनलाल मोदी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।